मैम जो है ये 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, ये महेंद्रगढ़ हरियाणा से आए हैं, और जब आपको पता चला मैम कि आपका केबीसी में सिलेक्शन हो गया है तो कैसा लगा आपको? सर बहुत ज्यादा अच्छा लगा जब पता चला कि मैं आपके सामने बैठ पाऊंगा और आपसे पर्सनली बात कर पाऊंगा। और सर मतलब जब पता चला कि सिलेक्शन हुआ सर, घर में मैं एक जगह टिका नहीं सर। एक जगह टिका नहीं है? चुपते फांते रहे आप? यस सर, इधर से उधर, उधर से इधर, और मतलब तब तो यूं लगता था कि इतने सारे लोग हैं, सबको बता दूंगा कि मेरा केबीसी में सिलेक्शन हो गया, सभी मेरा एपिसोड देखेंगे। बहुत बहुत बधाई आपके पास। ओके, आप अपने साथ में कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं? सर मेन कंपेनियन माय फादर एंड एक्स्ट्रा कंपेनियन माय मदर। अच्छा। बहुत बहुत स्वागत, तालियों के साथ इनका हम स्वागत करते हैं। प्रदीप कुमार जी, आजकल आप क्या कर रहे हैं? मैं सर दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल हूँ सर, सर्विस कर रहा हूँ। ऑलराइट, बड़ा गर्व होता होगा आपको कि आपके पिता जो है वो पुलिस फोर्स में काम कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा लगता है, और सर मैं किसी के पीछे खड़ा नहीं होता, लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। और सर कोई हाथ लगाएगा तो पहले, हाथ लगाने से पहले कोई 10 बार सोचता है कि हाँ पुलिस का लड़का है। सर मतलब फायदे बहुत सारे हैं सर। हाँ बहुत ज्यादा। बहुत गुणी हैं आप, बड़ी जल्दी अपने जीवन में समझ गए हैं कि क्या फायदे की बात है और क्या फायदे की बात नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि पुलिस में होना बहुत जरूरी है। माइक, रिपोर्ट कार्ड अब हमको देखना पड़ेगा आपका। ज्ञाना जी, कैन वी सी हिज रिपोर्ट कार्ड प्लीज? और आपको प्यार से लोग मंकू भी बुलाते हैं, वाई नहीं लगाया है अभी आगे, वरना गड़बड़ हो जाती है कि नहीं? वो भी मेरा नाम है, लेकिन वो स्कूल में मैं अमंग माय फ्रेंड्स। ओके, लाइक करते हैं मेरी मम्मी का डांस। अच्छा, मम्मी जी शर्मा रही है वहां पर, और आप डिसलाइक करते हैं अपनी हाइट को। अरे ये क्या हुआ, क्यों? सर मेरी हाइट का बहुत मजाक उड़ता है, और सर मतलब कई जगह में खड़ा हो जाता हूँ ना सर, और कोई लंबा सा अगर होता है सर तो सर मतलब उनके सामने खड़ा होकर बिल्कुल यूं गर्दन दर्द करने लग जाती है सर। हमारे साथ भी यही होता है सर। आप तो बहुत बड़े हैं सर, मगर उल्टा होता है। पत्नी जो हमारी जो है वो आपके हाइट की है, और उनको भी ऐसे देखना पड़ता है। तो क्या तकलीफ है आपको भाई साहब? लेकिन मेरे पेरेंट्स जो हैं और मेरे जो कई मोटिवेटर्स जो हैं वो मुझे बताते हैं कि हाइट डजंट मैटर, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज योर नॉलेज। बिल्कुल सही कहा आपने। इसी चीज को मैं सर यहाँ पे प्रूव करने आया हूँ। वाह क्या बात है। पेरेंट्स जो रिमार्क है ना कि मुंह फिलाना थोड़ा कम करो, ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप भाई साहब? सर घर पे छोटी छोटी बातों पे मुंह फुला लेता है सर ये। होता है भाई, जो बच्चों में कभी कभी हो जाता है, मन की बात नहीं हो तो मुंह फुला लिया। सर मेरा रोज का काम है, कभी कभी नहीं सर। सर जब भी मैं मतलब मुंह फुला लेता हूँ तो यू नहीं कि कोई मनाए सर, उल्टा मम्मी मुझसे ही गुस्सा हो जाती है सर। माता जी देखिए, इनको मना लिया कीजिए ना जब ये मुंह फुलाए, आपको मुंह फुलाने की क्या जरूरत है? डांट दिया हम। सर आपकी बात तो मान लेंगे। हम मानेंगे। अच्छा ठीक है। तो जो आपका रिपोर्ट कार्ड आया था ना, उसमें लिखा था कि आप सुपरमैन बनना चाह रहे हैं, अभी भी बनना चाह रहे हैं? सर बहुत सारे फायदे हैं कि उसमें सर उड़ने की पावर है, तो सर उड़ के कहीं भी वर्ल्ड टूर पे जा सकते हैं, फ्लाइट का खर्चा बच जाएगा सर, और वो लाइट की स्पीड से काम करता है तो सर मेरा होमवर्क झटाझट हो सकता है। सर बस एक दिक्कत, सर पैंट के ऊपर जो चड्डी पहनता है वो नहीं पहनना सर। वो पसंद नहीं है आपको? सर कैसा लगेगा आप ही बताओ।
सर एक बात बता दें आपको, पहली बार हमने सुना है किसी से इस तरह का उनका वर्णन करते हुए। सब चीजें पसंद है, पैंट के ऊपर जो चड्डी पहनते हे भगवान। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है भाई साहब आप। हम आगे बात नहीं बढ़ाएंगे इसको। तो मायंक आपने क्या सोच रखा अपने बारे में? सर मेरी लाइफ में वैसे कोई सीक्रेट नहीं है, बस एक सीक्रेट है, वो है मेरा करियर, जो मुझे खुद भी नहीं पता है। सर अगर मैंने ये देख लिया कि कोई इंजीनियर है तो मुझे इंजीनियर बनना है। सर मैं घर पर लकड़ी लेकर या फिर कार्डबोर्ड लेकर सर तोड़ फोड़ करने लग जाता हूँ, पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। और मैंने अगर डॉक्टर का कोई प्रोग्राम देख लिया या फिर कहीं डॉक्टर के पास चला गया तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो जाए घर में तो आप डॉक्टर ना शुरू चाहिए हुई एडवाइस में उनको देते रहते। सर और मैंने नीरज चोपड़ा ने जब ओलंपिक्स में मेडल जीता तो सर आप मानोगे नहीं, मैं मतलब घर में लकड़ी ढूंढता था जेवलिन मारने के लिए। सर अभी मेरा जो करियर है वो अभी मैं अच्छे से डिसाइड नहीं हुआ है, नहीं है लेकिन सर नहीं। आप जब छोटे थे तो आपका क्या एम था कि आप क्या बने जब आप मेरी उम्र के थे? सर आपको बताएं कि हमारी जो स्थिति थी वो आपसे उसमें ज्यादा अंतर नहीं है, हमको भी नहीं मालूम था क्या होने वाला है। ज्यादातर हम लोग गुल्ली डंडा खेलते तो हमने कहा चलो गुल्ली डंडा खेलेंगे और क्या। लेकिन और कुछ नहीं हमारे मन में आता, कभी भी नहीं आया। पर जिस तरह से आप खेल रहे हैं भाई साहब और जिस तरह से आपका दिमाग चल रहा है, मैं निश्चिंत हो गया हूं कि आप आगे चल करके कुछ ना कुछ बहुत ही सुंदर करने वाले। हमारी जो टीम है ना जो यहाँ बैठी है, इन्होंने एक वीडियो बनाया है आपके ऊपर, हम चाहेंगे कि वो वीडियो देखा जाए। मैं अक्सर बहुत क्यूरियस होता है डिफरेंट क्वेश्चंस जानने के लिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मयंक क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालता है। पर डे हम जब क्लास में आते हैं तो हमें लगता रहता है कि भाई आज मयंक क्या पूछने वाला है। बेस्ट एग्जांपल यस मैम, बट हाउ द क्लाइमेटिक कंडीशंस अफेक्ट द एग्लोमिनेशन ऑफ दीज इंडस्ट्रीज ओनली इन गुजरात एंड महाराष्ट्र बिकॉज़ ऑफ वेट क्लाइमेटिक कंडीशंस। कई बार तो ऐसा लगता है कि आई एम अमेज्ड व्हाट ही इज आस्किंग। सम टाइम आई कॉल हिम छोटा पैकेट बड़ा धमाका। उसका जो कंपटीशन होता है वो हमेशा खुद से रहता है, वो औरों पे ध्यान नहीं देता, हमेशा खुद से बेटर करने की कोशिश करता है कि पिछली बार अगर उसका ये रिजल्ट था तो इस बार उसे इम्प्रूव करना है। मुझे मेरी परछाई महसूस होती है मैंग के अंदर। मैंग बहुत ही परफेक्ट बच्चा है। हर पेरेंट्स का ख्वाब होता है कि बच्चा हर फील्ड में आगे रहे और पेरेंट्स का नाम रोशन करे। मेरे लिए मेरे पापा जी मेरी इंस्पिरेशन है और मैं उनके जैसा ही बनना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि उनके जो और सपने हैं मैं उनको भी पूरा करूँ ताकि वो खुश रहें। जहाँ मेरी इच्छा थी कि मैं केबीसी के फोर्थ सीट पर जाके बैठूँ, बोला कि पापा एक दिन मैं है ना आपका सपना मैं पूरा करूँगा, अगर आपका नंबर नहीं आ रहा तो मैं पहुँचूंगा वहाँ पर। और आज वो इस मंच पर पहुँचा है, मुझे इस बात का बहुत प्राउड है। और जो मेरा सपना था केबीसी हॉट सीट पे बैठने का, वो आज मैं पूरा करने जा रहा है और ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है।